रामगढ़ विधानसभा में हुए उपचुनाव का रिजल्ट आप सबके सामने आ गया साथियों। लेकिन चुनाव किसी ने जीता हो, लेकिन दिल जीतने वाले सतीश यादव पिंटू जी हैं। स्वागत है पहले हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई अक्षय जी एवं आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी दर्शक हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। रामगढ़ विधानसभा में हुए उपचुनाव में कहीं ना कहीं लोगों का आपने दिल जीता है, करीब 61,000 के करीब में आपको मत मिले थे। देखिए, हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ा था, पूरी रामगढ़ विधानसभा की आम जनता चुनाव लड़ रही थी और यह चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता ने बहुत ही प्यार, आशीर्वाद और सहयोग किया है और जनता के सहयोग से ही मैं चुनाव लड़ा। जनता ने मुझे सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया, तब जाके मैं कहीं चुनाव लड़ा। तो ये रामगढ़ विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही थी और कहीं ना कहीं यह चुनाव रामगढ़ विधानसभा का बड़े स्तर पे, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार और राज्य सरकार लगी हुई थी, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, मतलब नाम नहीं लेना कितने लोग यहाँ लगे हुए थे, फिर भी रामगढ़ की जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। 61,000 लोगों ने मत देकर अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद दिया। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव में आपने देखा होगा कि एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में जिस तरीके से बड़ी बड़ी हस्तियों का लगातार जमावड़ा था, गली गली का दौरा कर रहे थे, वहीं आप एक तरफ अकेले आप थे और आपके जो पूर्व एमएलए रहे चाचा जी वो थे, मंच पर डटे हुए थे। लेकिन किस तरीके से सतीश यादव पिंटू ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ा और एनडीए के प्रत्याशी को मात्र जीत जो आपसे हुई है उनकी, मात्र 1300 वोट के अंतराल से उनकी जीत हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार भारत में भी, देश में भी है और राज्य में भी है, तो तमाम जितने भी केंद्रीय मंत्री थे, गिरिराज सिंह हो गए आपके, मनोज तिवारी आके घूम रहे थे गांव के लिए, नित्यानंद राय गांव गांव में घूम रहे थे, और बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं, संतोष सिंह हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, आपका जो है श्रवण कुमार हो गए, नाम नहीं लेना जितने भी मंत्री थे, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक गाँव गाँव में। और सबसे बड़ी बात जो है, इस रामगढ़ विधानसभा में सरकार ने अपनी जितनी भी ताकत थी, प्रशासन का जो भी था, सारा इन्होंने लगाया। यहाँ तक कि ये स्थिति आ गई थी कि जो श्रम संसाधन मंत्री हैं, इन्होंने जो है, जो लोग श्रम कार्ड जो बनता है तो लोग लेबर इंस्पेक्टर, तो इसके लिए हमने डीएम को लिख के, आपको मैं कॉपी दिखा दूंगा, मैंने डीएम को लिख के लिखित रूप से जो है इस पर हमने कंप्लेंट किया था कि जो लेबर इंस्पेक्टर हैं ये लोग जो है श्रम कार्ड धारकों को और जो नए श्रम कार्ड धारक जो आवेदन किए हैं उनको ये लोग बुलाकर वोट डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि आप बीजेपी को वोट करिए और आपका श्रम कार्ड बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सारे हटकंडे अपनाए, साथ ही यहाँ पूंजीवाद इतनी हावी था कि लोगों ने 20-20 करोड़ रुपए खर्च किए, पानी की तरह पैसा बहाया, एक एक वोट पर ये लोग जो है, मतलब बोली लग रही थी, एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी बोली लगा रहे थे, दूसरी तरफ एनडीए के 2000 नहीं तो 2500 ले लो, एक वोट पे 5000 ले लो, ये स्थिति थी यहाँ पे। इस परिस्थिति में भी मैं अकेला चुनाव लड़ा और मेरे लिए जनता चुनाव लड़ी, माताएं बहनें चुनाव लड़ी और इस परिस्थिति में भी हम लोग 61,000 वोट पाए और कहीं ना कहीं दो गांव का जो वोटिंग था, आपका खरसाना दो बूथ है और दो बूथ जो है आपका रामगढ़ में 8D है, इन दोनों जगहों पे अच्छा खासा हमारा समर्थन और वोट था, लेकिन लोग भ्रम में आकर वोटिंग का बहिष्कार किए, हम लोग कम से कम दोनों जगह मिलाकर 1400-1500 वोट हम लोगों को मिला होता, तो कहीं ना कहीं हार हुई है और उस हार का हम लोग जो है समीक्षा भी किए हैं कहाँ से चूक हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी इस रामगढ़ विधानसभा में, आप पता कर लीजिए, गांव में जाके पूछ लीजिएगा, 12 बजे तक राजद के जो वोटर हैं, खास करके दलित, बैकवर्ड, यादव, मुस्लिम जो वोटर जो राजद के साथ थे उनको छोड़कर जो अदर वोट थे, खास करके जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह के जो उनके लोग थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उनके घनिष्ठ थे, उनके मित्र थे, उन लोग जो है 12-12:30 बजे तक बूथ पर नहीं गए वोटिंग करने के लिए। 12 बजे के बाद जब ये वोट पड़ गया तो 12-12:30 बजे के बाद ये लोग वोट करने गए और जगदानंद सिंह जी और सुधाकर सिंह का जो है निर्देश था और ये लोग बूथ पर गए और सीधे जाकर भाजपा को वोटिंग किया। तो भाजपा को ये लोग जब वोट किए तब जाकर हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े, नहीं तो हम लोग को चुनाव में जीत निश्चित थी। लेकिन एक तरफ दो दलों का वोट हो गया, एक तरफ हम लोग अकेले हो गए। पहले से ही दोनों दलों में 38-38 दलों का गठबंधन है, किसी में 38 दल का गठबंधन है एनडीए में, किसी में 22-23 दल का गठबंधन है और बीएसपी अकेले अपने दम पे सिर्फ बहन जी के नीति सिद्धांतों पे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए पार्टी लड़ रही थी चुनाव। तो कहीं ना कहीं लोगों ने समझा है कहीं कमी रह गई है, जहाँ अपने लोग कहीं इधर उधर गए, हम लोग जा रहे हैं घरों में,
तो 2 दिन के बाद से ही घरों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं गाँव में। आज सुबह भी मैं निकला था, 2 बजे घर आया तो लोगों से जा रहा, लोग अफसोस भी कर रहे हैं, और ख़ास करके मुस्लिम समाज माइनॉरिटी के लोग मतलब इतने अफसोस में है मुस्लिम समाज के हमारे भाई जो है, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने वोट तो कर दिया राजद को, लेकिन राजद को जो वोट मिलना चाहिए जगदानंद सुधाकर सिंह का, ये लोग अपना वोट जो है बीजेपी को मरवा। क्या आप मानते हैं कि किसी साजिश के तहत राजद और भाजपा एक होकर आपको चुनाव हराए? देखिए ये पूर्णतः साजिश है, और आप तो फेसबुक सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम पोस्टें आ रही हैं और लिखा जा रहा है कि राजा राम हो या राजा भरत दोनों दशरथ के पुत्र हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम दोनों लोग एक हैं, और चाहे अशोक सिंह जीते या सुधाकर जीते या अजीत जीते, ये अल्टरनेट सिस्टम है कि तीसरा कोई इस रामगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व न करे, क्योंकि इन दोनों लोगों के भ्रष्टाचार कि जो पोल है, अगर तीसरा कोई बनता है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों लोगों के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। तो ये भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कि तुम बन जाओ या मैं बन जाऊँ, या मैं बन जाऊँ मेरी स्थिति ठीक है तो तुम बन जाओ, तीसरा कोई इस रामगढ़ विधानसभा में न आए, इसकी जो साजिश सबने देख लिया है। और इस बार रामगढ़ विधानसभा में सबने देख लिया कि क्या किया, क्या इन लोगों ने वोटिंग में क्या किया है, और ये चीज़ें आम आवाम जनता गाँव गाँव में सारे लोग कह रहे हैं कि ये हुआ है, और ये सब। तो इस बार जो आने वाला जो 2025 का जो चुनाव है, तो जनता ने तो पूरा मन बना लिया कि इन लोग जो धोखा इन लोगों ने जनता के साथ किया है वही जनता इस बार बदला लेगी। करीब 11 राउंड तक आप आगे चल रहे थे, पूरे बिहार में आपकी चर्चाएं हो रही थी, न्यूज चैनलों पर चल रहे थे कि सतीश यादव पिंटू रामगढ़ से चुनाव जीत गए, कई चर्चाएं हो रही थी इस दौर में, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आपकी सराहना भी की जा रही थी। देखिए हम लोग लास्ट राउंड तक आ गए थे, अंतिम राउंड में हम लोग जाके पिछड़े हैं, और बीच में एक आध राउंड जो पीछे भी थे, तो 2 बूथ का जो वोटिंग आपका मशीन ख़राब हो गया था, एक तो छतरपुरा बूथ और एक मापतपुर बूथ, अगर इनकी गिनती अगर उस समय हो गई होती तो जो 12वें राउंड में जिसकी गिनती की पर्ची से आपकी वीवीपैट की पर्ची से, तो इन दोनों की अगर राउंड वाइज अगर गिनती आप देखते हैं तो हम लोग जो है 10 राउंड तक आगे थे, और लास्ट जो राउंड था 11वां राउंड में हम लोग जो है चुनाव पिछड़े अंतिम राउंड में। तो यही देखिए पैटर्न जो चुनाव का, इन लोगों ने जो पैटर्न बदला, हम लोगों का जो अनुमान था कि जो पैटर्न है, लेकिन जब वोट राजद का जो वोट था, जो जगदानंद सिंह के इनके अपने लोगों का वोट था, बीजेपी को जहाँ जहाँ जाने लगे वहाँ हम लोग पिछड़ने लगे। अब जैसे नगर पंचायत है रामगढ़, नगर पंचायत रामगढ़ में पिछले बार सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे, चिमार्जन से चुनाव जीते थे, इस बार जो है इन्होंने अपना सारा वोट ट्रांसफ़र करा दिया बीजेपी पर, इतना ही डाउन हो गया, इतना इनका वोट नीचे आ गया कि बीजेपी को डबल वोट हो गया, वहाँ हम लोग 28 वोटों से हम लोग पीछे हो गए। हमने अपने वोट को गेन किया, पिछली बार की अपेक्षा हम लोग इस बार बढ़ाए अपना वोट नगर पंचायत रामगढ़ में, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ आरजेडी का जो वोट चला गया तो वोट ज़्यादा हो गया। दुमदुमा पंचायत में भी वही हाल हुआ, जहाँ हम लोग 1200 से चुनाव पिछड़े लगभग, तो दुमदुमा पंचायत में भी जो है आरजेडी का जो वोट था वोट चला गया बीजेपी को, तो आरजेडी नीचे आ गई बीजेपी ऊपर चलेगी। हम लोगों ने अपना वोट पिछली बार की अपेक्षा लगभग वहाँ हम लोग 450-450 वोट हम लोग ज़्यादा बढ़ाए, लेकिन एक तरफ दो पार्टियों का वोट हो गया, तो इसलिए हम लोग जो है पिछड़ गए, और कोई ऐसा कुछ नहीं था कि चुनाव कहीं से हम लोग हार नहीं रहे थे, और आम जनता ने भरपूर सहयोग भी दिया। तो ये साजिश हुई चुनाव हराने के लिए कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है इस रामगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व न करे, उसको रोका जाए, क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान आता है तो शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, जिनकी कहीं चर्चा नहीं होती है यहाँ रामगढ़ विधानसभा में। हमने अपने मंचों के माध्यम से भी इसकी चर्चा की, ये सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि रामगढ़ विधानसभा में जो चुनाव हो रहा था उसमें तेजस्वी यादव जी प्रचार करने आए थे, आप पहले खुद उन्हीं के पार्टी थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव लास्ट आते आते चुनाव को रामगढ़ का अपने पगड़ी पर बता दिया, साथियों को बताया कि ये पगड़ी क्या बचेगी या कवर जाएगी इस पर। देखिए हर पार्टी अपने अपने नेता जो होते हैं अपने दल के उम्मीदवार को जिताने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं, तेजस्वी जी ने भी अपना जो हथकंडा था उन्होंने भी अपनाया। तेजस्वी जी ने रोड शो भी किया, लगभग 40 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, और फिर दोबारा आए सभा किया, और राजद के जितने भी विधायक थे विजय मंडल जी, विजेंदर जी, आपके जो हैं कई शंभू यादव जी, और उधर आपके शिवचंद्र राम जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी गांव गांव घूम रहे थे, और कई तमाम विधायक दरभंगा और कहां कहां से लोग आए हुए थे, लेकिन जनता ने एकदम मन बना लिया था कि इस बार जो है पिंटू यादव को वोट देना है, तो इन लोगों का कोई सुना नहीं। तब जाके तमाम जो हथकंडे थे
इन्होंने अपना कर पैसा बांट कर जब ये लोग थक गए तभी जान गए लोग कि कहीं ना कहीं पिंटू यादव बहुत आगे चल रहे हैं, तब इन्होंने साजिश किया और अपने वोटों को जो है बीजेपी की तरफ ट्रांसफर किया। 2025 विधानसभा चुनाव ठीक सामने है और कहीं ना कहीं 25 में जो चुनाव होगा वो सीएम कैंडिडेट पर सबसे बड़ा मायने रखने वाला है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीएम कैंडिडेट और हमारी लड़ाई जो है इस रामगढ़ विधानसभा के आम आवाम के लोगों के बारे में, तमाम लोग सरकारें बनी हैं, तमाम सरकारें आगे भी बनेंगी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि यहाँ से जितने लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन आज तक इतने सालों में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज इस रामगढ़ विधानसभा में क्यों नहीं बन पाया? दुर्गावती प्रखंड में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? नोआ प्रखंड में क्यों नहीं बन पाया? एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईआईटी, आईटीआई तो बहुत दूर की बात हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज तो दूर, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई सरकारी कॉलेज नहीं बन पाया, एक भी मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं बना। मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, बड़ी बात हो गई, यहाँ तक एक भी ऐसा जो है हायर हेल्थ सेंटर नहीं बना कि जहाँ जो है इस रामगढ़ विधानसभा के लोगों का इलाज हो सके, सड़क पर दुर्घटना हो जाए चाहे कोई गंभीर बीमारी हो जाए, बिना बनारस के यहाँ पे इलाज पॉसिबल नहीं है। तो आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ के लोग जो है केंद्र और राज्य में मंत्री रहे, लेकिन तभी हम लोग इतने पिछड़े हैं। तो हमारा जो मुद्दा है इस रामगढ़ विधानसभा के लिए, मैं देश स्तर और राज्य स्तर की राजनीति बात नहीं करता, हमारा जो मुद्दा है हमारे जो नौजवान हैं उनको बेहतर शिक्षा कैसे मिले, हमारे जो रामगढ़ विधानसभा के लोग हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले, मेरी ये लड़ाई है और मैं ये लड़ाई को लड़ूंगा और इस लड़ाई को लेकर ही मैं जो है आगे बढ़ूंगा। रामगढ़ विधानसभा में अभी तक ले कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं, आपने देखा होगा कि अभी लगातार एक्सीडेंट होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आपने हाल देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले करारी की एक बड़ी घटना घटी थी मेन रोड पे, उस पर देखिए करारी की इतनी बड़ी घटना, तब हम लोग तो हाईवे पे हैं, जीटी रोड है, NH2 है, यहाँ तो हमको लगता है कि शायद ही दिन बाकी जाता होगा सड़क दुर्घटना न होती होगी। और कई लोगों को तो हमने जो है जब से मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ तो कई दर्जनों के आसमान के सैकड़ों लोगों को मैं अपनी गाड़ी में बैठा बैठा कर जो है कि अस्पतालों में ले गया हूँ, और मुझे उसके लिए डीएम साहब ने एक बार जो है उसके लिए गुड सेमिलिटन का जो है वो दिया था प्रशस्ति पत्र। तो मैं हम अस्पतालों में जाते हैं, अगर हम दुर्गावती स्वास्थ्य केंद्र पर गए तो वहाँ वहाँ ले जाइए और डॉक्टर तुरंत लिख देगा रेफर, भभुआ जाइए भभुआ तुरंत लिख देगा रेफर बनारस, मतलब बिना बनारस के कहीं भी इलाज संभव नहीं है। करारी की जो घटना हुई हम लोग दूर थे, हम लोगों को पता चला, हम लोग भागे भागे हम लोग ट्रामा सेंटर में गए थे वहाँ पर हम लोग, तो मतलब ये है कि इलाज के अभाव में, देखिए सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है तत्काल इलाज। तो अगर बनारस आपको जाना है तो कहीं ना कहीं जीटी रोड पे अगर कहीं जाम लग गया, जाम भी नहीं लगे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको लगेंगे जाने में अस्पताल। और एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति जिसका ब्लड घोर मान लीजिए सर फट गया है, ब्लड गिर रहा है, तो 2 घंटे तक अगर उसका ब्लडिंग होगा तो जान पे तो उसको खतरा वहीं आ गया। तो मेरे कहने का मतलब कि ऐसा स्वास्थ्य केंद्र आज तक क्यों नहीं बना कि जहाँ हमारे रामगढ़ विधानसभा के लोगों का इलाज हो सके? हम स्वास्थ्य में इतने पीछे हैं कि बाकी इलाकों, अभी आप बॉर्डर डाकिएगा, भव्य मेडिकल कॉलेज बन रहा है उत्तर प्रदेश में, हम लोग देख के अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस होती है कि हम लोग इस इलाके के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। बगल में मोनिया विधानसभा सुरक्षित है, लेकिन जो हम लोग विधानसभा पार करेंगे परसोथुरा के बगल में भव्य जो है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है, आपका भगवानपुर में जो है कि इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है चैनपुर विधानसभा में, तो हम लोगों के पास क्या है? मोनिया विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय है, हम लोगों के पास क्या है? क्या हम लोग कोई एक जनप्रतिनिधि भी गर्व से कह सकता है कि हमने यहाँ पे ये कॉलेज बनवा दिया, हमने यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, हमने यहाँ पे एक स्वास्थ्य हायर स्वास्थ्य सेंटर खुलवा दिया, हमने जो है मतलब ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि कोई गर्व, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन आज तक ये लोग जो है जनता सवाल नहीं पूछती है, ये जनप्रतिनिधि तमाम जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे और राज्य और देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर ये लोग चुनाव जीतते हैं। तो अगर मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अगर चुनिएगा तो जनप्रतिनिधि आप नहीं चुन पाइएगा। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए आप ये चयन करिए, क्योंकि आपका काम जनप्रतिनिधि से, आप मुख्यमंत्री से नहीं काम करा सकते हैं, आप सांसद से काम करा लीजिएगा, प्रधानमंत्री से काम तो कराइएगा नहीं। लेकिन जब हम
लोकसभा में हम प्रधानमंत्री चुनेंगे और विधानसभा में हम मुख्यमंत्री चुनेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इसी तरह पिछड़े रह जाएंगे। तो जनप्रतिनिधि को चुनिए और चयन ये ऐसा जनप्रतिनिधि करिए जो उस इलाके के बारे में सोचे, स्थानीय कैंडिडेट अच्छे हो, स्थानीय कैंडिडेट हो, स्थानीय मुद्दों को मजबूती से, हम वही तो कह रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री अगर मैं चुनूंगा, चुनाव को जब जब केंद्रीकरण हो जाए, जब चुनाव सेंट्रलाइज होगा और हम सिर्फ मुख्यमंत्री को चुनेंगे तो फिर जनप्रतिनिधि कैसा है, अच्छा है, ठीक है, भ्रष्टाचारी है, ये मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो मुख्य मुद्दा है कि हम मैं तो विधायक चुन रहा हूँ, विधायक चुनेगा मुख्यमंत्री, मेरा काम है, जनता का काम है विधायक चुनना, तो मैं विधायक चुनूंगा, ऐसा विधायक चुनूंगी जो हमारी समस्याओं का निराकरण करे, और मैं विधायक छोड़कर मैं सीधे मुख्यमंत्री के बारे में सोच के चुनाव करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं पीछे, वही हाल हम लोगों के यहाँ हो जा रहा है बार बार। हम लोग जब आता है विधानसभा तो हम लोग मुख्यमंत्री चुनने लगते हैं, तो वही है। तो ये चीज़ों को हम लोग गाँव में बता रहे हैं कि नहीं, जनप्रतिनिधि चुनिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सबको हमने बताया है, लोग जागरूक हो भी रहे हैं कि बात सही है कि हम लोग इलाके में आज तक ऐसा कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक सरकारी बीए का डिग्री कॉलेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारे मुद्दों पे जो है हम लोग लड़ेंगे, भले ही हम लोग सदन नहीं जा पाए, लेकिन बस जल्द ही अभी किसानी का मामला है, और देखिए किसानी के मामले में समय नहीं मिल पाया, डीएम साहब से हम बात किए थे, मिलने के लिए जाना है। खाद की जो स्थिति है, इतनी किल्लत है खाद की, इतनी किल्लत, और कालाबाजारी इतनी है कि जो जो चीज़ें सीधे दोने तीने दाम पे जो है यूरिया और डाई मिल रहा है, और धान जो है खलिहानों में किसानों के पड़ा हुआ है, अब तो चुनाव भी ख़त्म हो गया पैक्स का, कहीं भी धान की खरीदारी नहीं हो रही है। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि तमाम मुद्दे हैं, तो सब मामलों में जो है जनप्रतिनिधि कंबल तान के सोए हुए हैं, इनको जनता से, किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम लोग सड़क पर लड़ेंगे। रामगढ़ विधानसभा में एक मुद्दा बहुत तेज चल रहा था, 13 पंप कैनाल और एक भी दुर्गावती प्रखंड में ढड़हर का, इसको लेकर बहुत सारे मतलब चर्चे हो रहे थे इस चुनाव में, इसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, 13 नहीं, जैतपुरा की ज़्यादा चर्चा लोग, जैतपुरा, देखिए जैतपुरा पंप कैनाल जो है, सच पूछिए तो जैतपुरा पंप कैनाल की लड़ाई उस इलाके के किसानों ने लड़ी। मैं राजनीतिक रूप से नेता होने के बावजूद भी मैं ये बात फख्र से कहता हूँ कि हमारे इलाके के किसान जो है इतने जागरूक हैं, तो वहाँ किसानों ने लड़ाई लड़ी, तमाम किसानों है, मेरे पास सूची है कि लोगों ने 2 रुपया, 10 रुपया, 50, 100, 200, 500 का चंदा लगाकर हाई मतलब हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने पिटीशन दायर करके लड़ाई लड़ी। नेता इसमें श्रेय लेने में, पंकज राय जी और तमाम लोग थे, और पहली बार देखिए वही चीज़ें हैं ना कि नेताओं ने श्रेय लेने की होड़ लगी हुई। जब पहली बार जो है जैतपुरा पंप कैनाल के लिए पैक्सा सेंक्शन हुआ, जब हाई कोर्ट ने चाबुक ताना सरकार के ऊपर, तो सरकार ने, उस समय अंबिका यादव विधायक थे जी इस इलाके के, लेकिन अंबिका यादव ने कहीं भी मंच पे नहीं कहा कि हमने जो है इतना करोड़ रुपए का जो सेंक्शन करा दिया, इतना लाख रुपए का। तो किसानों ने वो लड़ाई लड़ी और हाई कोर्ट के आदेश पर जैतपुरा पंप कैनाल का निर्माण हुआ, न कि किसी जनप्रतिनिधि के कहने पर निर्माण हुआ। तो वो लड़ाई किसानों ने लड़ी और पूरा का पूरा श्रेय, और उसी के बाद उसी में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि और भी अगर अगल बगल कोई ऐसा है जहाँ पे, उसी के बिना पे जो है आपका 13 पंप कैनाल का भी निर्माण हुआ। तो उस वो लड़ाई किसानों ने लड़ी, और इसका सारा का सारा श्रेय, मैं भी श्रेय, तो अंबिका यादव भी श्रेय ले सकते थे कि मेरे कार्यकाल में जो है, अगर जो लोग श्रेय ले रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में निर्माण हुआ, तो पहली बार जो पैसा आया था जैतपुरा पंप का, वो अंबिका यादव उसमें विधायक थे, तो अंबिका यादव भी ये कह सकते थे कि भाई मेरे कार्यकाल में पैसा आया जैतपुरा, लेकिन अंबिका यादव नहीं श्रेय ली, क्योंकि उन्हें पता था कि नहीं, ये लड़ाई जो है किसानों ने लड़ी थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने जो है उसका निर्माण कराया। और रही बात ढड़र पंप कैनाल की, ढड़र पंप कैनाल का अंबिका यादव जी अपने कार्यकाल के समय जो दो दो बार विधानसभा में सवाल उठाए थे, दो दो बार, ये न्यूज़ में भी आया था, और जांच के लिए टीम भी आई थी, जांच की थी, दुर्भाग्य है अगले अंबिका यादव चुनाव हार गए। तो भाई जाहिर सी बात है कि जो इन योजनाओं का आदमी या तो स्वीकृत होती हैं, या जो इन योजनाओं का हम सदन में उठाते हैं, तो उसमें समय लगता है इम्प्लीमेंट होने में। चुनाव हारने के बाद जो अगले विधायक होंगे उनके कार्यकाल में पैसा सेंक्शन और निर्माण हुआ, वो अपना श्रेय लिए, चलिए ठीक है, लेते रहिए श्रेय, लेकिन जो काम जिन्होंने किया है वो सब लोगों को पता है। गंगा का पानी का बहुत जिक्र हुआ था, अब तो गंगा का पानी लाने के लिए माननीय जो अभी विधायक बने अशोक सिंह,
चिल्ला चिल्ला के मंचों से कह रहे थे। सम्राट चौधरी भी चिल्ला रहे थे कि गंगा का पानी जो है मैं लाऊंगा। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि आप इतने सालों से, लगभग 18-19 साल हो गया बिहार में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी 10 साल हो गए भाजपा की सरकार है, बगल के राज्य में भी आपका दूसरा टर्म में सरकार है, मतलब बिहार में भी आप हैं, जहां से गंगा का पानी लाना है उत्तर प्रदेश में भी सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार है, मतलब तीनों जगहों पे सरकार आपकी है। हमें ये नहीं समझ में किसका इंतजार हो रहा था। अच्छा, आपको विधायक तो विधायक भी तो बना लिए, हम लोग भी देखते हैं गंगा का पानी कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक आता है। ये जनता सवाल पूछेगी ना कि गंगा का पानी कहाँ तक पहुँचा। ये देखिए, ये सारे लोग सिर्फ वोट लेने के लिए, जनता तो सवाल ही पूछ, जिस दिन ये सम्राट चौधरी कह रहे थे उसी दिन पूछे, इतने दिन आप क्या कर रहे थे? 20 सालों से आप सरकार में हैं, 10 सालों से केंद्र में हैं, 7 साल से 8 साल से आप जो है कि उत्तर प्रदेश में हैं, तब आपने गंगा का पानी क्यों नहीं लिया? किसी एक विधायक बनाने के लिए इंतजार कर रहे थे? तो ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है, और ये छलावा, ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। गंगा का पानी लोगों के नियत और नीति में इतनी खोट है कि गंगा का पानी ये लोग कभी नहीं लाएंगे। आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर बेवकूफ बनाते हैं लोगों को? एकदम जनता को बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ। अच्छा, ये तो सीएम होकर बोल रहा है, सामने से डिप्टी सीएम बोल रहा है कि गंगा का पानी लाएंगे, क्यों सिर्फ एमएलए लेकर आएंगे तब? ऐसे क्यों भाई, सरकार में आप हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि सरकार में आप हैं, बगल के भी राज्य में आप हैं, केंद्र में आप हैं, क्यों बैठे हुए थे इतने दिनों तक? आप 20 सालों तक आप सरकार में पानी क्यों नहीं लाए? केंद्र में आपकी 10 साल से सरकार है, 7 साल से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में, 8 साल, आप पानी गंगा का कौन रोका था भाई? मैं तो यही कहता हूँ कि क्या आप अमेरिका में सरकार बनेगी तब लेके आइएगा पानी? तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, और ये लोग चुनाव में झूठे वादे करके लोगों को छल करके वोट लेते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रह चुके सतीश यादव पिंटू भैया की तरफ से शानदार एक इंटरव्यू दिया गया। जरूर, इतना वक्त देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सब आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम, सलाम, जय भीम, नमस्कार। चलिए, अभी के लिए इतना ही। मैक्से पासवान, जय हिंद, जय बिहार।